देश में कोरोना के 3,68,147 नए मामले, वहीं 3,417 और मरीजों की मौत। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि उच्च न्यायालय लोकतंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभ है, इसलिए वह उनका मनोबल नहीं गिरा सकती। दिल्ली के 301 केंद्रों में वैक्सीनेशन शुरू, उप मुख्यमंत्री बोले 100% टीकाकरण की उम्मीद। यूपी में 2 दिनों के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन, अब गुरुवार सुबह 7 बजे तक रहेगी बंदी। कर्नाटक के जिला अस्पताल में 24 मरीजों की मौत, ऑक्सीजन की कमी से तोड़ा दम। 11वीं में प्रवेश के लिए CBSE ने बनाए नए नियम, अब अपनी मर्जी से विषय चुन सकेंगे छात्र। दिल्ली में कोरोना संकट के बीच केजरीवाल सरकार ने सेना से मांगी मदद। दिल्ली वासियों को हफ्ते भर तेज गर्मी से मिलेगी राहत, तेज हवा के साथ हो सकती है बारिश। शेयर बाजार पर दिखा कोरोना का असर, 600 अंक से ज्यादा लुढ़का सेंसेक्स। कोरोना का IPL पर कहर, आज होने वाला KKR और RCB का मैच हुआ रद्द।